The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal aap sabhi ko aur hamare sare YouTube family ko Holi ki bahut bahut hardik shubhkamnaen, bahut bahut aap logo ko आपके सारे परिवार को खुशहाली इस सारे साल भर रहे। सो आज दोस्तों ये वीडियो है बेसिकली अबाउट होली की ऐसी कुछ टिप्स, ऐसी कुछ बातें जो आपको एक डॉक्टर के नाते बतानी चाहिए, बतानी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग होली के बाद सफ़र करते हैं स्किन प्रॉब्लम्स से, एलर्जिक रिएक्शन से, कई लोगों को बालों में हेयर प्रॉब्लम्स, स्काल्प प्रॉब्लम्स और न जाने किन किन प्रकार के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं होली के बाद, और न जाने हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। कई बार स्किन पे उल्टे सीधे चीज़ें लगाते हैं, कई बार तेल लगा के जाते हैं, कोई कलर से बचता रहता है। तो होली अगर आप खेलते हैं और होली में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको किन बातों का पता होना ज़रूरी है, वही बातें आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। और इनसे आपको पता चलेगा कि कितनी सारी बीमारियां, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को बचाया जा सकता है। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में हार्ट पेशेंट्स के लिए भी हम आखिरी में आपको टिप्स बताएंगे। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, होली के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पूरे कपड़े पहने, ड्रेस कम्प्लीटली, जितना हो सके उतने आप अपने स्किन को ढक लें, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उससे कोई बेटर प्रोटेक्शन नहीं है स्किन को पूरा कवर करने का। यानी फुल स्लीव्स जीन्स पैंट पहन ली, फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए, पूरा अपना लंबी जीन्स पैंट निकालिए पूरे पैर में, और वो जीन्स पैंट और ये पहनने की सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली कलर्स जो अच्छे कलर्स होते हैं, ऑर्गेनिक या हर्बल कलर्स यूज़ करें। अब ये चीज़ को कंफर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सच में ओरिजिनल है या नहीं, राइट। और उससे पहले, कलर से पहले आपको एक बैरियर यूज़ करना चाहिए, बैरियर क्रीम। यही सबसे बड़ा पॉइंट आया, बैरियर क्रीम जो होती है वो एक माइक्रोनाइज्ड जिंक ऑक्साइड की क्रीम होनी चाहिए। जैसे कि कई सनस्क्रीन होती है जिनमें बैरियर क्रीम होती है, वो सनस्क्रीन माइक्रोनाइज्ड जिंक ऑक्साइड की सनस्क्रीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल सन स्टॉप 19 या सन क्रॉस सॉफ्ट, ऐसी कई कंपनीज आती हैं, आप कोई भी ले सकते हो। बस उसमें याद रखिए माइक्रोनाइज्ड जिंक ऑक्साइड हो, वो आप अच्छे लेयर से लगाइए, और कोई एक सनस्क्रीन होनी चाहिए जिसमें कम से कम 50 प्लस SPF हो, क्योंकि होली के दौरान आप बाहर ही रहोगे, घूमोगे फिरोगे, काफ़ी देर एक्सपोजर हो सकता है, इसलिए 50 प्लस का सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF होना अच्छा है, राइट। और ये बात याद रखिए, अगर आपको डबल प्रोटेक्शन चाहिए, इससे ऊपर प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसको लगाने के बाद उसके ऊपर से आप पेट्रोलियम जेली भी लगा सकते हैं। पेट्रोलियम जेली को आपको कंपलसरी आपके लिप्स पे, आपके ईयर पे और आपके अदर सेंसिटिव एरियाज पे लगाना चाहिए अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है। और एक बात रखिए, अगर आप ये लगा के बाहर जाते हो, होली खेलते हो, तो इसको होली खेलते हुए उसके दौरान फिर से मत लगाइएगा, क्योंकि एक बार कलर लग गया उसके बाद फिर आप इसको लगाते हो तो वो कलर उसके बीच में ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम जेली एक तरीके की बैरियर क्रिएट कर देता है और कुछ नहीं करता। सो वो कलर उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा और प्रॉब्लम करेगा। इसके अलावा जो आप वेजिटेबल ऑयल्स लगाते, कोकोनट ऑयल या कोई भी तेल जब लगा के जाते हो, ये आप मत लगाइए। क्यों? क्योंकि जो तेल लगाते हैं आप स्किन पे, तो वो कई ऐसे कलर के अंदर केमिकल्स होते हैं जो उस ऑयल में डिसॉल्व हो जाते हैं, और वो बड़ी आसानी से फिर स्किन के अंदर घुस जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस कर सकते हैं। तो इसलिए तेल जो है स्किन के ऊपर नहीं लगाना है, कोई भी तेल, यहाँ तक कि हाँ बालों के ऊपर तेल ज़रूर काम करेगा, हेयर्स को आप तेल लगा सकते हैं, बालों को तेल ज़रूर प्रोटेक्ट करेगा। यही कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल आप हेयर पे लगा सकते हैं, स्काल्प पे नहीं, हेयर पे। हेयर को वो डैमेज से बचाएगा, और क्यूटिकल को, कॉर्टेक्स को, हेयर के जो हमने बताया था हेयर केयर वीडियोस में, उनको भी बचाएगा, राइट।
फीमेल को फीमेल्स अपने नेल्स को पेंट ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं कि आपके नाखूनों पे कलर ना लग जाए अगले एक दो हफ्तों के लिए, राइट, शेड्स आ जाएंगे। यहाँ तक कि नेल्स के, ना सिर्फ नेल्स को, उसके आजू बाजू के हिस्सों को भी आपको थोड़े थोड़े जो आसपास के जो एरिया है उसको भी आपको पेंट करना चाहिए ट्रांसपेरेंट। इवन आप अगर मेल हैं, लड़के हैं, तो भी आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा के जा सकते हैं, जो आप नेल और उसके आजू बाजू ना वहाँ सबसे ज़्यादा आपके कलर रह जाते हैं, है ना। सो ये पॉइंट्स आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए इसको याद रखिए। नेल पेंट आज ज़्यादा लगाइए और ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाइए, एक के ऊपर एक दो लेयर चाहे लगा के जाइए, बहुत ज़रूरी है। इससे आपका जो स्टेन होते हैं वो बाद में नहीं आएंगे, जितने भी स्टेन होते उल्टे सीधे, वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट रखिए, ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी कंडीशंस हैं, एक्जिमा है, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस कोई भी है, तो ऑब्वियस बात है अवॉइड करिए होली में बाहर जाके कलर्स के साथ होली ना खेलें। पानी के साथ आप खेल सकते हैं अगर आपको स्किन एलर्जिक कंडीशंस हैं तो। फिर भी कई लोग, इन जनरलाइज लोगों की बात करें तो ड्राई होली खेलना सबसे अच्छा है, वो इजी है, वो इफेक्टिव है। वेट होली या आप उसमें जो पानी कलर वाले, पानी वाली होली खेलते हैं जिसमें कलर है, वाटरी कलर्ड है, तो वो उसमें थोड़ा सा इशू होता है। वेट होली ज़्यादा सेफ है और मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर मात्रा में पानी खूब पिएं, जूस या कोई भी जूस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, मिल्क बेस्ड ड्रिंक ले सकते हैं, दारू नहीं पीना है, इम्पॉर्टेंट चीज़, एंड भांग नहीं लें। भांग के ऊपर डिटेल वीडियो आ चुका है, उसको जाके समझो क्यों नहीं पीना, एक भी बार नहीं, ट्राई नहीं करना है, इट्स नॉट गुड, राइट। और दारू पियोगे तो अल्टीमेटली आप ख्याल नहीं रख पाओगे अपनी चीज़ों का और दिक्कत करोगे कि अपने स्किन को, अपनी बॉडी को, दूसरों को, खुद को नुकसान पहुँचाओगे, राइट। ऑब्वियसली कोई भी कलर्ड चीज़ें, हाथ में अगर कलर लग गया है, ये लग गया है, तो किसी खाने पीने की चीज़ पे कलर लग गया है तो उसको नहीं खाना है, ये तो बड़ी आम बात है। कलर खाओगे तो साइड इफ़ेक्ट होगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टी, आपको इवन पेट में सीरियस इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। ये ऑब्वियसली सिंपल सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद अगर आप मान लीजिए कलर आपके मुँह में चला जाता है, राइट, और आपने ले लिया, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑब्वियसली उस समय कलर चला गया, ये चला गया, तो उस समय अगर दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर को दिखाइए, इमरजेंसी में जाना पड़ सकता है। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कलर गया, तो पैरानॉइड होने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत उसको डाइल्यूट करिए, बहुत सारा पानी पीजिए। कई सारी चीज़ें जो है वो पानी पीने से कई बार उल्टी आ जाती है, कई बार ठीक हो जाता है, मतलब कई बार वो डाइल्यूट हो जाता है तो उतना डैमेज नहीं करता, बट देन वी कैन नॉट से दैट किस किस केमिकल में क्या होगा, ये देखना पड़ता है, राइट। उसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की इचिंग हो रही है, किसी भी प्रकार का स्किन इरिटेशन या एलर्जिक रिएक्शन शरीर में हो रहा है होली खेलते हुए, तो तुरंत के तुरंत वापस आइए घर पे, बंद करिए खेलना और वॉश करिए उसको सही तरीके से, साबुन पानी से अच्छे से खेलिए। और अगर किसी भी प्रकार की सीवियर इचिंग एलर्जिक रिएक्शन डेवलप होता है तो तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि पॉसिबली ये एलर्जिक रिएक्शंस केमिकल्स के वजह से होता है और ये बढ़ सकता है, बढ़ते बढ़ते स्किन को परमानेंट डैमेज भी कर सकता है, ये कई पेशेंट्स ऐसे में आते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर ऐसा कुछ होता भी है या आपके कलर लगा हुआ है तो आपको स्क्रैच, खुजली हो रही है, तो वो खुजली नहीं करनी है, डू नॉट स्क्रैच। अगर आप स्क्रैच करेंगे तो आप एक्चुअली वो कलर को और अंदर पुश कर देंगे, कलर को अंदर पुश कर देंगे स्किन के लेयर्स के अंदर बिटवीन, और वो निकलना, एक तो निकलना डिफिकल्ट और दूसरा उसके साइड इफेक्ट्स भी आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, राइट। तो स्क्रैच नहीं करना है, सिर्फ अगर आपको दिक्कत हो रही है, खुजली हो रही है, तो आप उसको वॉश कर सकते हैं सोप एंड वाटर से, और किसी चीज़ से नहीं, जेंटली आप उसको, अगर फिंगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो रब कर सकते हैं, जेंटली रब करिए, उतना बहुत है, डू नॉट स्क्रैच इट, वो बहुत ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। उसके अलावा आप बेसन या जो चने की दाल का आटा है उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप उसको स्क्रब, यानी उसको स्क्रब करके निकालना चाहते हैं, राइट, बेसन कलर स्टेन को, राइट। इसके अलावा अगर आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से घबराना नहीं है। बालों के लिए आपने हेयर ऑयल लगाया है उतना काफ़ी है, और बालों को जितना हो सके बांध के रखिए, राइट, चाहे दाढ़ी के हो चाहे बाह के हो, आप बालों को जितना बांधेंगे उतना उनके अंदर कलर कम जाएगा, राइट, ऑब्वियसली डीप डीप में। और अगर बात आई फिर प्रेगनेंसी की,
अगर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, नीडलेस टू से आपके जो भी कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं नेचुरल ऑर्गेनिक होने चाहिए, और आप पानी के साथ होली ना खेलें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान गिरने का रिस्क आपका बढ़ जाएगा, बैलेंस प्रॉब्लम, वेट प्रॉब्लम, बॉडी का जो वेट सेंटर है वो टेढ़ा, तो गिर गए तो फिर लेने के देने। सो इसलिए पानी वाली होली ना खेलें, आप ड्राई होली खेलेंगे अगर आप प्रेग्नेंट है। इसके अलावा भांग या किसी भी इस प्रकार का नशा आपको करना ही नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान, और प्रेगनेंसी में मिठाइयों पे ध्यान देना जरूरी है, जेस्टेशनल डायबिटीज ना हो जाए। यहाँ तक कि जहाँ हार्ट पेशेंट की बात आती है तो भी आपको भी प्रेग्नेंट पर्सन को भी या मोटे लोगों को इस बात का ध्यान देना है कि ये किसी भी प्रकार के त्यौहार हैं, इनके बीच में खाना पीना बहुत ही ज़्यादा हाई कैलोरी फूड ना खा लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज होने का खतरा है, और हार्ट पेशेंट्स हाई सॉल्ट, हाई फैट, हाई शुगर वाले खाने पीना खाएंगे तो उनकी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने का रिस्क होता है। जी हाँ, एक दिन से भी बढ़ सकता है। सो ऐसा नहीं एक दिन खाएंगे तो कुछ नहीं होता, होता है, राइट। हाई सॉल्ट डाइट, हाई सॉल्ट फूड आपने ले लिया तो बीपी बढ़ जाएगा, हाई शुगर, शुगर बढ़ गई, एसिडोसिस हो सकता है, अनकंट्रोल शुगर आपको दिक्कत में पहुंचा देगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोच समझ के खाना खाएं, सोच समझ के अपने इंजॉयमेंट को करें, प्लान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रेगनेंसी में और हार्ट पेशेंट्स को एग्जर्ट नहीं करना है, ओवर एग्जर्ट नहीं करना है। जो भी खेलिए अपना, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन ज़रूरी है बीच बीच में। अगर आप ओवर एग्जर्ट करते हैं कलर्स के साथ, ड्राई कलर्स के साथ भी, तो वो भी आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। तो ये बातें दोस्तों बहुत ज़रूरी थी आपको बतानी, खासकर ऐसे सिचुएशंस में जब एक्चुअली ये छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं पता होते, नेल्स वाले, ये वाले आंखों पर, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आंखों के आसपास कुछ मत लगाइए कि ना कलर या रही, वेट कलर्स से दूर रहिए, ड्राई कलर्स के साथ होली खेलिए, ऑर्गेनिक होली खेलिए, खुश रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भांग वांग से दूर रहिए, भांग वाला वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और फैला दीजिए, राइट। हैप्पी होली गाइज, हमारी तरफ से आप सभी को, सहपरिवार सबको, मतलब सभी 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 को, इंडिया पाकिस्तान सारे दुनिया भर के लोगों को, मतलब हैप्पी होली, टेक केयर।